हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश की कॉपी का रिवीजन कराऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको रिवीजन कराना ज़रूरी है, जो कि इस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले है ए टू जेड, ये है आपके कैपिटल ए टू जेड दिया गया है। ए बी सी टी ई एफ G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Turn your page। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको कर्सिव में A बताया था। A for apple। B C, D, E, F। अब है लुक एंड राइट। स्टूडेंट्स, लुक एंड राइट क्या होता है, देखो और लिखो। जिस तरीके से यहाँ पर A लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी A लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर A, B, C, ये स्टूडेंट्स आपको रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए कि एक बार कि किस तरह से आपका पैटर्न आएगा। सेम इसी तरीके से लुक एंड राइट, यानी देखो और लिखो। जी एच आई J K L M N। नेक्स्ट है लुक एंड राइट, इसमें आपको पिक्चर दी हुई है, पिक्चर को देखो और यहाँ पर सामने लिखो। एप्पल A, बॉल B, कैट C, ड्रम D, एग E, फिश एफ, ग्रेप्स जी, हैट एच, आइसक्रीम आई, जग जी। यहाँ पर मैंने राइट ए टू एन किया है, ये ए टू एन भी आपको नन करनी है। फिर है नेक्स्ट आफ्टर। आफ्टर होता है बच्चों बाद में, क्या होता है बाद में, जो आपको यहाँ पे लेटर दिया गया है उसके बाद का आपको लेटर लिखना है। देखिए ए के आफ्टर लेटर क्या आता है बी, सी के आफ्टर डी, डी के आफ्टर ई, ई के आफ्टर एफ, जी के आफ्टर एच, आई के आफ्टर जे, जे के आफ्टर के, एल के आफ्टर एम, एन के आफ्टर ओ। टर्न योर पेज। फिर है मैचिंग। देखिए स्टूडेंट्स, इधर आपको पिक्चर दी हुई है और इधर आपके लेटर्स लिखे हुए हैं। पहली पिक्चर है फिश, एफ ऑफ फिश, एग ई फॉर एग, आई फॉर आइसक्रीम, एच फॉर हेड, जी फॉर क्रैब्स, जे फॉर जग। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन क्या होता है बच्चों, बीच में क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था वीडियो में। बीच में देखिए ए और सी के बीच में क्या आता है बी, डी और एफ के बिटवीन ई, जी आई क्या बिटवीन एच। ये एक तरह से आफ्टर वाला भी होता है स्टूडेंट। जे के बाद आफ्टर क्या आता है के, फिर एल, एम एन, P Q S T V W Y Z, ये आपका बिटवीन है। बिटवीन यानी बीच में। टर्न योर पेज। सर्किल द करेक्ट अल्फाबेट्स। इधर पिक्चर दी हुई है स्टूडेंट्स, इधर तीन तीन उसके आंसर दिए हुए हैं, उसमें जो आपका राइट आंसर है उस पर आपको सर्कल करना है। देखिए दिस इज बॉल, तो बॉल बी से बनता है तो मैंने बी पर सर्कल किया। M for mango, M पर मैंने सर्कल किया।
एफ फॉर फिश, एफ पर सर्कल किया। ए फॉर एप्पल, ए पर सर्कल किया। डी फॉर ड्रम, डी पर सर्कल किया। जी फॉर ग्रेप्स, जी पर सर्कल किया। नेक्स्ट ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आपको ए टू जेड लर्न करनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वोवेल्स। वोवेल्स में क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको एक देखिए वोवेल्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, फाइव, ए ई आई ओ यू, और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले कौन से लर्न करने हैं, वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, फाइव वोवेल्स 21 कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है फिलप्स। फिलप्स में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे बी है, बी से बिफोर आता है ए, बी के आफ्टर सी डी ई एफ जी एच आई के एम ओ क्यू एस यू डब्लू वाई जेड, ये आपको इस तरीके से ए टू जेड फिलअप कंप्लीट करनी है। टर्न योर पेज। मैचिंग, मैचिंग क्या है, लेटर टू लेटर। देखिए स्टूडेंट्स इधर आपके कैपिटल ए मतलब कैपिटल में दी हुई है और इधर आपको स्मॉल में दी है, सेम मैच करना है। ए ए से ऐसे मैच करना है, जी को जी से, एच को एच से, आई को आई से, एम को एम से, सी को सी से, एस को एस से और डी को डी से। नेक्स्ट है मैचिंग विद पिक्चर। इधर आपको एक साइड पिक्चर दी हुई है, इधर आपको लेटर्स दिए हुए हैं, इनको आपको ऐसे मैच करना है। बी फॉर बॉल, एच फॉर हेड, आर फॉर आइसक्रीम, एम फॉर मैंगो, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, ई फॉर एग। लास्ट है सर्कल द करेक्ट लेटर। सर्कल करना है आपको लेटर पर जो सामने पिक्चर दी हुई है, जैसे अम्ब्रेला है, यू फॉर अम्ब्रेला, एफ फॉर फिश, ए फॉर एप्पल, वाई एम फॉर मैंगो, डब्ल्यू फॉर वॉच। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको इंग्लिश का रिवीजन कराया है, इस तरीके से आपको रिवीजन की तैयारी करनी है और अच्छे से आपको एग्ज़ाम करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।